Bismillah Rahman Rahim students, assalamu alaikum Rabbi Today's uh, topic is elimination reaction. Students, we have studied this uh, article uh you know very detailed uh, elimination reaction. Uh, what happened in elimination reaction? A single uh, reactant just convert into uh, two or more than two products, right? Single reactant convert into two or more than two products, right? That is or uh, uh, elimination reaction basically in which i uh, eliminate something remove something just like this is uh, example this is a, uh, a reactant called alcohol right uh, water is uh, eliminated right and uh, remaining uh, entity converted into uh, alkene right so this is called what elimination reaction स्टूडेंट्स आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में सारा कुछ कह चुके हैं आज हमारा फोकस जो है वो किसी और चीज़ पे है वो ये कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक प्राइमरी एलकोल है और यहाँ पे भी जो है वो अल्किन प्लस वाटर ये सेकेंडरी एलकोल है यहाँ पे भी अल्कीन प्लस वाटर यहाँ पे भी ये एक और अल्कोहल है अल्कोहल और यहाँ भी अल्कीन प्लस वाटर लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नंबर एक कि ये प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल और अल्कोहल ये क्या होते हैं इनमें फर्क क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे सेकेंडली हम ये देखेंगे कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ये कार्बन नंबर टू और ये हाइड्रोजन जो कार्बन नंबर थ्री से रिमूव हुआ है एज अ वाटर वाटर मालिक्यूल तो ये वाटर मालिक्यूल हाँ और कार्बन टू और थ्री के दरम्यान जो है वो सिंगल डबल में तब्दील हुआ है तो हाइड्रोजन तो यहां भी खड़ी है ना ठीक है ये कार्बन नंबर वन तो ये हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और डबल बाड जो है वन टू कार्बन के दरम्यान बन जाता यहां पर ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसकी वजह देखेंगे तीसरा ये देखेंगे कि यहाँ देखें जो परसेंटेज है सल्फ्यूरिक एसिड की वो 75 और टेम्परेचर भी ज्यादा है 141 यहाँ परसेंटेज सिक्सटी हो गई है कम हो होके और टेम्परेचर भी कम हो गया है हंड्रेड हो गया है और इधर ट्रेशरी एलकोल की जब बारी आई है तो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन और कम हो गई है और टेम्परेचर भी मजीद सौ से कम होके ए हो तो ये जो कंडीशन वेरी हॉर्स से माइल्ड क्यों हो गई है ये ज्यादा कंसनट्रेशन और ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर और कम कंसेंट्रेशन की तरफ शिफ्टिंग क्यों हुई है तो ये तीन चीजें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एम डी कैट एंड ई कैट स्टूडेंट्स के वहां पे ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आप कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है कि ऐसा आखिर क्या वजह है कि ये हो रहा है तो नंबर एक तो सलवीर के साथ आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है डिहाइड्रेटिंग यानी वाटर को रिमूव करवाता है लिहाजा ये कोई रीजेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम उसकी नीचे देखते हैं कि उसकी क्या है चूंकि इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग वाटर रिमूविंग कैपेबिलिटी है लिहाजा हम चूंकि निकालना भी इससे वाटर ही है ठीक है हाँ तो लिहाजा सलफ्यू इस्तेमाल कर लेंगे बाकी रही बात हम क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री तीन क्वेश्चन है तो बारी बारी आप डिस्कस करते हैं जी प्राइमरी सेकेंडरी और में क्या फर्क है जी इधर आ, आ जाएं तो हमारे पास जो अल्कोहल है वो किस वजह से होता है कोई कंपाउंड अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप ओ एच की वजह से अगर हमारे पास ओ एच ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो आगे किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है सपोज हाइड्रोजन के साथ अटैच है वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा या हाइड्राक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर डायरेक्टली uh, एक कार्बन के साथ अटैच है तो फिर भी वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल क्या है कि जिसमें हेड्रोक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर uh, डायरेक्टली दो कार्बन के साथ बरह दो कार्बन के साथ उसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे ट्रेशरी अल्कोहल में हेड्रोक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन के अटैच है जो फर्दर जो कार्बन आगे थ्री कार्बन के साथ अटैच है ठीक है तो इसको आ, आप ट्रशरीपल यहाँ देखें तो ये कार्बन प्राइमरी हुआ यहाँ ऐसी के, सा जो दो से एक और के साथ और ये देखें तो हड्रक्सल ग्रुप ऐसी से जो आगे तीन कार्बन कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू और ये अल्काइल जहां भी कार्बन है ठीक है तो जी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड ट्रेशरी अल्कोहल उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई हाइड्राक्सल ग्रुप कार्बन नंबर टू से तो उसने तो होना ही है लेकिन साथ जो हाइड्रोजन ये हो रही है कार्बन थ्री और कार्बन कार्बन टू से थ्री uh, से हो रही है ये वाली हाइड्रोजन तो यहां से क्यों नहीं हुई तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है भाई रूल क्या है सेट रूल कल भी इस हवाले से थोड़ी सी बात हुई थी आज इसको ब्रीफली देख लेते हैं जी तो जेडसिफ रूल क्या कहता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन हाँ जी कौन सी हाइड्रोजन रिमूव होगी बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन तो भाई बीटा तो ये कार्बन भी है ये भी है ये अल्फा कहलाती है जिस जिस जिसके साथ साथ आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन के डायरेक्टली अटैच है ना वो अल्फा कहलाती है लेकिन उसके साथ वाली बीटा कहलाती है चाहे ये है चाहे चाहे कार्बन वन है चाहे कार्बन थ्री है उसके साथ डायरेक्टली जितनी वो बीटा कार्बन है ठीक है हाँ जी तो बीटा कार्बन वाली हाइड्रोजन रिमूव होगी तो यहां तक तो भाई मसला हल नहीं हुआ अभी बाकी है

रिलीज uh, होगी ठीक है तो uh, ये भी पता चल गया जी uh, कि आपके पास डबल बाड जो है वो कार्बन टू और थ्री के दरमियान बनना चाहिए क्योंकि वाटर रिमूवल जो है वो कार्बन टू और थ्री से हो रहा है और uh, डबल बाड जो है कार्बन वन टू के दरमियान नहीं बनना चाहिए क्योंकि वाटर रिमूवल जो है वो वन और टू के दरमियान से नहीं हो रहा एनी anyway जी अब हम तीसरे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो परसेंटेज कम होती जा रही है सेवन टू 60, 60 20 और टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है 140 70 से 100 तक कम हुआ एटी फाइव पे आ गया तो ये आखिर क्या वजह है जी तो आप आपकी बुक में सिंपल इतना लिखा है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ईज ऑफ यानी डिहाइड्रेशन की आसानी से किस में होती है तो वो कहता है जी ये ट्रेचरी अल्कोल में ज़्यादा आसान है किसकी नस्बत सेकेंडरी अल्कोल की नस्बत और सेकेंडरी अलकोल में डिहाइड्रेशन ज़्यादा आसान है प्राइमरी अल्कोहल की नस्बत बस उसने इतना लिख दिया है अब आगे उसने कोई वजाहत नहीं दी यानी यहाँ से ये लगता है कि यहाँ से वाटर रिमूव करना आसान था ठीक है लिहाजा कम टेम्परेचर और कम कंसनट्रेशन से काम बन गया और यहाँ वाटर रिमूव करना सेकेंडरी से कदरे मुश्किल था तो ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत बनी और प्राइमरी से वाटर रिमूव करना मुश्किल था ज़्यादा मुश्किल था इन दोनों से ज़्यादा मुश्किल था तो ज़्यादा कंसनट्रेशन की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा टेम्परेचर की तो अब इसकी वजात में अगर हम जाएँ तो थोड़ा ब्रीफली क्योंकि ये एफ एस सी के आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे ताकि आ, बात की समझ आ जाए अब एक बात स्टूडेंट याद रखिए कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बारे बड़ी खूबसूरत सी बात है कि मोर स्टेबिलिटी मोर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा हाँ जी हाँ अगर ये सपोज है सूरत हाल कि आपका ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में बदल रहा है ठीक है हाँ या ये ये जितने भी रिएक्टेंट हैं ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं तो इनमें जो स्टेबिलिटी है ना वो बड़ी काउंट हो रही है स्टूडेंट एक बात याद रखिए कि ये जो रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में बदल रहा है ना ये डायरेक्ट इसमें नहीं यहाँ कोई इंटरमीडिएट स्टेज भी है जी यहाँ एक इंटरमीडिएट स्टेज है यहाँ भी एक इंटरमीडिएट स्टेज है ठीक है ना हाँ जी इन दोनों के दरमियान अब वो कौन सी है भला हाँ जी अः ये देखिए आपके पास एक ट्रश्री अल्कोल है जी ठीक है ना ये एक एग्जाम्पल लिए ट्रश्री अल्कोल है उससे क्या होगा जी हाइड्रॉक्सल निकलेगा और जब निकलेगा तो ये एक चीज बनेगी ठीक है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वो अच्छा नेगेटिव निकलेगा ना इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो यूं आपके पास ट्रश्री अल्कोहल जो है वो ट्रश्री कार्बोकेटाइन देगा कार्बोकेटाइन केटाइन तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन ऊपर आ जाए तो कार्बोकेटाइन ठीक है हाँ जी तो अल्कोहल ट्रेशरी, का, ट्रेशरी कार्बोकेटाइन देगा और ट्रेश, अपना जो सेकेंडरी अल्कोल है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगा आफ्टर रिमूवल ऑफ होड्राक्सल और जो प्राइमरी है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा ठीक है ना हाँ जी प्राइमरी कार्बन अब दिलचस्प बात यह है स्टेबिलिटी वाइज देखें ये देखिए कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ठीक है ना अच्छा तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये स्टेबिलिटी ये जितना स्टेबल होगा हाँ ये ये बात याद रखें जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा उतना आसानी से वो बन जाएगा तो उतना आसानी से मसलन ट्रेशरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो ये अपना हड्राक्सल ग्रुप आसानी से रिलीव हो जाएगा ठीक है हां और यहां जो है वो प्राइमरी कार्बो चुके लेस स्टेबल है लिहाजा यहां से हड्राक्सल ग्रुप आसानी से नहीं निकलेगा हार्श कंडीशन चाहिए होगी दैट्स वाई अच्छा अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है ये कम क्यों है और ये सबसे कम क्यों स्टेबल है इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए आप एक चीज तो देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ तीन आर ग्रुप हैं यहाँ दो आर ग्रुप हैं और यहाँ एक आर ग्रुप है आर मीन अल्काइल ग्रुप ठीक है अच्छा अब जो अल्काइल ग्रुप है ना आर ठीक है ना ये दो इफेक्ट रखता है एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कंजुगेशन याद रखिए कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट जितना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और दूसरा हाइपर कंजुगेशन भी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी कार्बो की उतनी ज़्यादा होगी अब हम देखना यह है कि ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों की नस्बत ट्रेशरी कार्बो ज़्यादा स्टेबल क्यों है पहली बात तो यह है कि इसमें जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप का और दूसरा हाइपर कॉन्जुकेशन भी ज्यादा है पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब आर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ये अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को ये अल्काइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को अब जब ये तीनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो कार्बन के ऊपर जो कमी हुई है पॉजिटिव चार्ज मीन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये याद रखिए पॉजिटिव चार्ज मीन डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब जब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये आर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये कमी जो है काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी याद रखिए कि ये कार्बोकेटाइन जो रिएक्टिव हो जाता है या जो लेस स्टेबल हो जाता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाता है पॉजिटिव चार्ज अगर होगा

तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है चॉय डेंसिटी वो कम हो जाएगी जो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट है जिसकी वजह से इसने रिएक्टिव होना था अनस्टेबल होना था वो इफेक्ट कम हो गया ठीक है ना हाँ वो कमी जो है नेगेटिव चार्ज की जो कमी है ना वो अब काफी हद तक पूरी हो गई है लिहाजा जब पूरी हो गई है तो अब इसे क्या मसला है कि ये फिर भी रिएक्ट करेगा लिहाजा ये स्टेबल हो जाएगा ठीक है हाँ और इधर चूके दो ग्रुप है दो आर ग्रुप हैं लिहाजा एक एक आर ग्रुप कम हो गया है लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी इसके बराबर नहीं रहेगी कम स्टेबल हो गया इधर सिर्फ दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इधर प्राइमरी में सिर्फ एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा यहाँ जो है वो पॉजिटिव चार्ज का इफ़ेक्ट उतना मिनिमाइज नहीं हो रहा जितना यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है ठीक हो गया जी

तो ये इफेक्ट और कम मिनिमाइज हुआ है ठीक होगी जी तो एक तो ये चीज़ है कि इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है उसके बाद है जी हाइपर कंजुगेशन मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा वो भी इसमें है ये जैसे हम कहते हैं ना कि मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी ऐसे ही मोर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी इसके नौ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं इसके छः बनते हैं सेकेंडरी के और जो प्राइमरी आपके पास कार्बोकिटाइन है उसके तीन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं लिहाजा नौ वाला ज्यादा स्टेबल होगा छः वाले से छः वाला ज्यादा स्टेबल होगा तीन वाले से ठीक हो गया अच्छा अब ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर मीन टू क्या मतलब है इसका हाइपर कंजुगेशन होती क्या है वैसे हाइपर कंजुगेशन ये होती है कि जैसे ये कार्बन आ गया ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये तीन अल्काइल ग्रुप हैं जी एक दो तीन तो एक दो और ये तीसरा अल्काइल आप मिथाइल ले लें ठीक है अच्छा तो ये यहाँ तीन बाच सी एच अब होता क्या है कि ये जो सी एच सिग्मा बाड है ना ये सिग्मा बाड शिफ्ट होगा यहां कार्बन कार्बन के दरमियान ठीक है और यूं ये बना देगा कार्बन कार्बन डबल बाड ठीक है ये सिंगल बाड कार्बन कार्बन सिंगल बाड के दरम्यान शिफ्ट होगा और बन जाएगा कार्बन का डबल बाड और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अब हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर था ना ये अब हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये कार्बन के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कार्बन कार्बन के दरमियान आ गए तो यहाँ एक बाढ़ तो बन गया ठीक है लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आने की वजह से हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर आ गया लिहाजा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन की डेफिशियसी ठीक है पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो क्रिएट हो गया यहाँ ठीक है ना ऐसे ही क्या होगा अब हुआ हो क्या भला अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थी ना पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था वो कम हो गया पॉजिटिव चार्ज जो एक रीजन ने इधर अटैक करना था कि जी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से अटैक करना था कार्बन के ऊपर तो अब वो नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया है डीलोकलाइज होकर हाइड्रोजन पर चला गया है इज हाँ, का लफ्ज कहां से आया है एक होता लोकलाइज लोकल लोकल से निकला है, local मतलब मकामी मतलब एक जगह रहने वाला अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर रहता तो हम कहते हैं लोकलाइज हो गया अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो फिर लोकलाइज नहीं रहा फिर ये डीलोकेलाइज हो गया ठीक है ना हाँ तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना डीलोकेलाइज होगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि जिसने भी अटैक करना था कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ से कर की वजह से करना था अब वो नहीं कर पा रहा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उसे यहां मिला नहीं जिस तरह वो देख रहा था कि यहां कोई चीज पड़ी है ठीक है हाँ जैसे भूखे को रोटी वो देखे कि जी यहाँ इस टेबल पर पड़ी है तो वो जपटेगा लेकिन ही को देखेगा टेबल पर पहुंचेगा वो देखेगा कि वो तो अगले टेबल पे चली गई है अगले टेबल पहुंचेगा तो वो जी अगले टेबल पर चली गई है, तो है आगे देखेगा नहीं नहीं वो तो अगले टेबल पर चली गई है ठीक है हाँ तो वो ये सूरत हाल बनी हुई है ठीक है ना हाँ अब वो वो भी भाग रहा है ये भी भूखा भी भाग रहा है रोटी भी भाग रही है ठीक है तो फिर भूखा यही सोचेगा ना कि कोई और हल निकाल लिए जाए ये भागने का कोई फ़ायदा नहीं यहाँ ऐसी सूरत हाल है कि ये एक दफ़ा ये कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बांड है वो इधर आएगा दूसरी दफ़ा क्या होगा कि ये सिग्मा बांड जो है ये इधर आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ आएगा फिर ये सिग्मा बांध इधर शिफ्ट होगा डबल बांड बनाते हुए और पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा तो यूं तीन हाइपर कैजुकेशन स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसी तरह ये मिथाइल ग्रुप है तो तीन जो है वो इसके सी एच बाड हैं ठीक है ना तो तीन हाइपर कैन्युकेशन स्ट्रक्चर इसके और ये मिथाइल ग्रुप जो है आर तो तीन सी एच इसके तो बारी बारी अगर ये भी इधर शिफ्ट हूँ डबल बांड बनाते हुए और बारी बारी तीनों हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो यूं थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नौ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें इसमें दो अल्काइल ग्रुप हैं तो छह हाइपर कंजुगेशन इसमें एक अल्काइल तो तीन हाइपर तो ये हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्यों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डिल्युक्लाइज हो गया उसे जैसे कहा कि ज्यादा टेबल है रोटी को दौड़ने के लिए ठीक है भागने के लिए तो दूसरी वजह जो तो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप सिर्फ इतना ही लिख दें इज़ ऑफ डिहाइड्रेशन में जो बात ये लिखी हुई है कि जी एक वजह है मोर इंडक्टिव ये आ जाए कि ट्रशरी कार्बोकेटाइन वाई दिस इज द ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल ट्रशरी सेकेंडरी प्राइमरी तो सिंपली uh, ये आप ड्रा करें ठीक है ट्रशरी कार्बोकेटाइन जो है वो इसमें तब्दील हो रहा है सेकेंडरी जो है वो इसमें तब्दील हो रहा है और प्राइमरी जो है वो प्राइमरी कार्बो में तब्दील हो रहा है और ये प्रोडक्ट जितना कार्बोट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी लेस हार्श कंडीशन माइल्ड कंडीशन की ज़रूरत होगी लो कंसनट्रेशन और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और साथ स्टेबिलिटी बारी बारी इन तीनों की आप डिस्कस भी कर देंगे कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इस वजह से है मोर इंडक्टिव इफेक्ट है तो मोर स्टेबिलिटी uh, है मोर हाइपर कैंजकेशन स्ट्रक्चर है तो मोर स्टेबिलिटी है इसमें लेस इंडक्टिव पॉजिटिव इफेक्ट है और लेस हाइपर कैंजुकेशन है तो लेस स्टेबिलिटी है और इसमें लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और लेस हाइपर कैंजुकेशन स्ट्रक्चर है तो स्टेबिलिटी भी लेस है लिहाजा जितनी लेस स्टेबिलिटी होगी उतना वो चीज़ कम बनेगी और आप अगर बनाना चाहते हैं फिर भी तो आप इसको मतलब मजबूर कर रहे हैं मजबूर कर रहे हैं तो आपको फिर हार्श कंडीशन सख्त कंडीशन देना पड़ेगी ज़्यादा यानी मजबूर करके निकालेंगे ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा टेम्परेचर देगी। स्टूडेंट्स आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स थैंक यू फॉर हाफिज़